फिर अपील कर रहा हूँ, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज को मजाक में ना लें। चार दिन बाद फिर यही लोग रोएंगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सिस्टम, अगर आप लोग हो तभी सिस्टम है, अदरवाइज सिस्टम कुछ नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ का मुकाबला 2000 आदमी नहीं कर सकते अगर आप लोग सेंसिटिविटी नहीं बरतोगे। और कल को आप आगे ये कहते हो कि साहब प्रशासन हमारे को बेड नहीं उपलब्ध करवा रहा, प्रशासन हमारे को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तो इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। राजस्थान में मच रहे कोरोना कोहराम के चलते जहां राजस्थान सरकार ने नियमों को और भी सख्त कर दिया है, वहीं राजस्थान पुलिस प्रशासन भी अब और ज्यादा सक्रिय हो गया है। इसी कहर के बीच राजस्थान के IPS अनिल बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दौसा SP जनता से कड़ी अपील करते नजर आ रहे हैं। लोगों के थ्रू जनता से मैं फिर अपील कर रहा हूँ, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज को मजाक में ना लें। चार दिन बाद फिर यही लोग रोएंगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सिस्टम, अगर आप लोग हो तभी सिस्टम है, अदरवाइज सिस्टम कुछ नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ का मुकाबला 2000 आदमी नहीं कर सकते अगर आप लोग सेंसिटिविटी नहीं बरतोगे। और कल को आप आगे ये कहते हो कि साहब प्रशासन हमारे को बेड नहीं उपलब्ध करवा रहा, प्रशासन हमारे को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तो इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। आप लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें, ये चीज़ मजाक नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बता दिया है, कृपया करके घरों में रहो, डेंजरस वायरस है, 2 दिन सब्जी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, इस चीज़ को समझो। ब्याह शादी हो सकता है, आप एक तरफ आपकी ब्याह शादी चल रही हो और आपके परिवार में कुछ लोग चले जाएं इस कोरोना में, इस चीज़ को समझिए आप लोग। आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे विनती है, कृपया करके इस चीज़ को समझें। बता दें अनिल बेनीवाल इस वक्त राजस्थान के दौसा जिले के SP हैं। वायरल वीडियो में अनिल बेनीवाल हाथ में लठ लेकर सड़कों पर उतरे और लोगों से सख्त लहजे में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर समझाइश की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि SP की इस अपील का जनता पर कितना असर होता है।